ना मेरे प्यारे मकरू, एक तो सबसे बड़ा थर्ड हाउस, देखो थर्ड हाउस क्या होता है, एक नेचुरली कहीं ना कहीं से एक बाधा का स्थिति रहती है। अगर थर्ड हाउस परमानेंट नहीं है या आपके स्थान से तीसरा में कोई ग्रह बैठा है, वो मतलब टाइप टू बाधक में आता है। कोई यहाँ पर एस्ट्रोलॉजिकल किताब या ऑफिशियल रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन देखना कि थर्ड का प्लैनेट का थर्ड पोजीशन का प्लैनेट राहु शनि बैठा है तो ठीक है, अगर कोई शुभ ग्रह बैठा है या कोई भी इंसिडेंट वहां पर मंगल जैसे प्लैनेट का बैठा हुआ है, सुखाधिपति बन के वहां बैठा हुआ है या वो खुद पीड़ित चल रहा है, तो बाधा आना स्वाभाविक बात है। और तीसरा स्थान में राहु और मंगल बैठेंगे, शुभ ग्रह शुक्र क्रॉस करेगा, बुध बकरी मार्गी होके आगे चलेगा, ये सारा हाउस क्लियर होते होते आपको कम से कम मई खत्म, जून खत्म, जुलाई के बाद वहां पर क्लियर एनर्जी मिलेगा। तब तक गुरु बृहस्पति वृष राशि में घुस के 2, 3, 4, 5 डिग्री में थोड़ा सा टेंटवा लिए होंगे, टेंटवा लिए होंगे, समझ रहे ना, हमारे झारखंडी भाषा है, झारखंड उड़िया भाषा है, टेटा गए थोड़ा सा बोलते हैं ना, कि हाँ कमर उमर सीधा कर लिए कि हाँ अब काम करेंगे, लाओ ऑफिस ऑफिस लाओ, पेन पेपर का है दो, सब पास करेंगे लाओ, ठीक है, तो वो पोजिशन में आ गए होंगे। तो नेचुरल दिखाई दे रहा है कि मकर राशि वालों के लिए, मकर लग्न वालों के लिए एक स्मूथ ग्रोथ होगा। और जो मानसिक बाधाएं हैं, तीसरा स्थान कम्युनिकेशन एंड तीसरा स्थान छोटा भाई बहन, तीसरा स्थान आपके पराक्रम शक्ति ताकत, तो वहां जब अंगार लग जाएगा आपके पास तो ओवर एनर्जी होगा, तो उसका इंपैक्ट कहां पड़ेगा, राशि हो तो चंद्रमा के ऊपर, लग्न है तो बॉडी के ऊपर, तो हो सकता है हाथ में आग लगे, हो सकता है आपके बाहू में और इसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार के पेन दर्द पीड़ा या मानस मेंटल लेवल में डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम या गलत इंफॉर्मेशन या गलत कम्युनिकेशन के कारण परेशानी। तो ये एनर्जी क्लियर होगा, गुरु उधर से आपको देखने लगेगा, मकर राशि के ऊपर गुरु का दृष्टि जाएगा, समझो ये इवेंट बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है, क्योंकि मकर राशि के ऊपर गुरु का दृष्टि बहुत दिनों से नहीं पड़ा था। पंचम दृष्टि गुरु के ऊपर कब पड़ा था, जब आपसे पंचम कन्या राशि में गुरु चल रहे थे, उसके बाद तो नहीं पड़ा, उसके बाद मकर को गुरु देखा ही नहीं, अभी देखेंगे कितना साल के बाद देख रहे हैं आपसे, यहां 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 साल के बाद गुरु आपको देखेगा, तो आपके अंदर का व्यक्तित्व निखरेगा कि नहीं निखरेगा, आपके अंदर सद्ज्ञान जगेगा कि नहीं जगेगा, आपके अंदर का मानसिक तनाव कष्ट पीड़ा प्रोकास्टिनेशन स्लो डाउन ऑफ माइंड जितने सारे कचड़ा सरिये मकर राशि को केतु बर्बाद किया था, शनि आके नौटंकी बना के गया, फिर बाकी मंगल आके यहाँ पर कचड़ा किया, सूर्य जला जुलू के गया था, जितने स्टॉक एनर्जी वहाँ पड़े हैं गुरु का अमृतमय दृष्टि देख के सब क्या बनेंगे, खाद बन जाएंगे, और जो चीज अभी तक नहीं बन रहा था बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाए, नहीं चाहिए नहीं, काहे 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 का बात है, काहे नौटंकी, कॉन्फिडेंस काहे नहीं है महाराज, कॉन्फिडेंस काहे नहीं है, हाँ अमृतमय दृष्टि है। आप बोलोगे, आप सोचो, आप अपने जन्म कुंडली में मंगल शनि को लेके घूम रहे हो, आज तक शांति नहीं किए, भाग्य स्थान में मंगल शनि को लेके बैठे हो, अब तक शांति नहीं किए, तो क्या करेगा, न पंचम से पंचम नवम, पंचम स्थान से आप गिन लो 1, 2, 3, 4, 5 पंचम का पंचम, तो वहां आपके लिए एक बैक थ्रस्ट शुरू होगा कि नहीं होगा, तो जो बैक थ्रस्ट, एक बैक फोर्स होता है, एक बैक थ्रस्ट होता है, झटका थ्रस्ट हो गया, थ्रॉटलर बोलते हैं ना एक्सीलरेटर को, तो आपको जो एनर्जी एक्सीलरेट करेगा वो गुरु का गोचरीय गुरु का दृष्टि नेचुरली आपको रक्षा करेगा। लेकिन यहां पर जो चीज अगर इस शनि मंगल का शांति करा दिए होते, ग्रह शांति करके, या इसका जो शनि मंगल का जो रेमेडी है उसको अगर कर दिए होते, तो इस समय आपको गुरु का दृष्टि, क्योंकि 9 साल के बाद मौका मिल रहा था, बमबमा जाते, लेकिन अभी बमबमाएंगे जरूर, लेकिन कहीं ना कहीं जो आप बोल रहे हो दिख तो रहा है लेकिन मिल नहीं रहा है, हो तो रहा है लेकिन हो नहीं रहा है,
ये परेशानी थोड़ा सा आपके साथ रहेगा।